हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिफला के बेनिफिट्स पर। ठीक है, तो क्या है ये त्रिफला? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि त्रिफला क्या होता है। त्रिफला ये तीन फलों का जो मिश्रण होता है उसको त्रिफला बोलते हैं। ठीक है, तो तीन फल कौन कौन से हैं? तीन फल है, एक तो आंवला है, दूसरा हरड़ और तीसरा है बहेड़ा। ओके, इन तीनों को मिलाकर ये त्रिफला का चूर्ण बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी रहती है वो आंवला की रहती है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आंवला जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, और इस पर मैंने एक इनडेप्थ वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं हरड़ की। क्या है ये हरड़? ठीक है, हरड़ जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन एंड गैस को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये छोटी छोटी ब्राउन कलर की गोली होती है, तो वो आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो किराना स्टोर से ला सकते हैं, सेपरेटली भी आप इनको यूज में ले सकते हैं। अगर आपको गैस हो जाती है तो आप इनका सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बहेड़ा। बहेड़ा क्या होता है? ये आपके वातपित्त और कफ को जो है बैलेंस करता है या नॉर्मल करता है। जो भी हम विटामिन या मिनरल्स लेते हैं वाया फूड, सो ये हमारे उसको ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से जो विटामिन होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कराने का काम करता है। सो ये काम तो होता है बहेड़ा का। तीनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है त्रिफला चूर्ण, जिसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो बेनिफिट है त्रिफला का, ये कॉन्स्टिपेशन और गैस को दूर करता है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बेटर बनाएगा, और जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग अगर इसका डेली यूज करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो है कि त्रिफला जो है वो बॉडी डिटॉक्सिंग का भी काम करता है। जैसे अब आपको मैं बताती हूँ बॉडी डिटॉक्सिंग क्या होती है। बॉडी डिटॉक्सिंग का मतलब होता है कि बॉडी से सारे विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देना, और अंदर से एकदम बॉडी को भी, जैसे आप बाहर से खूबसूरत दिखना चाहते हैं वैसे बॉडी भी अंदर से एकदम खूबसूरत हो। हमारी बॉडी की जो मशीन है, जिस तरीके से सारी मशीनें काम करती है वैसे हमारी बॉडी की भी एक मशीन होती है। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मशीन्स हैं वो सही से काम करे, तो इसके लिए बॉडी डिटॉक्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी डिटॉक्सिंग के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बॉडी डिटॉक्सिंग से जो है ब्लड प्योरीफाई होता है, आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, सारे पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और बॉडी डिटॉक्सिंग होने से इंसान जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, और इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिटॉक्सिंग का। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें एनी टाइम उबासी आती रहती है या डकार, खट्टी खट्टी डकारें आती रहती है, तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देता है। सो त्रिफला एक बहुत अच्छा बॉडी डिटॉक्सिंग का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसका जो थर्ड जो बेनिफिट है वो है, अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, या आपको पायरिया हो गया है, तो उन सब में भी त्रिफला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप त्रिफला का पेस्ट बना के उसका रोज यूज करते हैं अपने दांतों पे और मसूड़ों पे, हल्के हाथों से मसाज करते हैं, तो इससे भी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और इसका फोर्थ बेनिफिट है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है। एंड साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, अगर आपको गीली खांसी है या आपको सूखी खांसी है, तो ये उन दोनों में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर त्रिफला का फिफ्थ जो बेनिफिट है वो है कि त्रिफला जो है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अगर आप एक एथलीट हैं, तो आपके लिए त्रिफला बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि त्रिफला जो है वो थकान को दूर करता है, साथ ही साथ वो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगा और एक्टिव बनाए रखेगा। और एक एथलीट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वो एक्टिव रहे और उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बेटर होना चाहिए। तो ये आपका डाइजेशन सिस्टम बेटर बनाता है। ये इस तरह के जो भी लोग एथलीट हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आलस को भी आपके अंदर से निकाल देगा। सिक्स्थ बेनिफिट है, इसका जो सिक्स्थ बेनिफिट है वो है कि त्रिफला जो है वो भूख बढ़ाने का भी काम करता है। जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा वो लोग भी त्रिफला का सेवन कर सकते हैं वेट बढ़ाने के लिए। इसलिए त्रिफला में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी फ्री रेडिकल डैमेज से सुरक्षा करते हैं। तो त्रिफला जो है आंखों के लिए, बालों के लिए या स्किन के लिए, और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, सब चीजों के लिए जो है त्रिफला बहुत ज्यादा अच्छा है। सबको इसका यूज करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। सो अब मैं बता देती हूँ कि त्रिफला हमको कैसे यूज करना है। हमको त्रिफला जो है वो आप चाहे तो पतंजलि स्टोर से ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगा। या आपको किसी और ब्रांड का लेना है तो आप वो ले लीजिए। मेरे घर के पास तो पतंजलि का स्टोर नजदीक है तो मैं वहां से ले लेती हूँ। अगर आपको किसी और ब्रांड का लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आपको क्या करना है, अगर आपकी जो एज है वो 30 से बिलो 30 है अगर आप, तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है।
या तो आप क्या करिए, फर्स्ट जो लेने का पहला तरीका तो है कि आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण एकदम खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में मिला के अच्छे से और फिर उस पानी को पी लीजिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक जो ऑप्शन है वो ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी एज जो है वो अबाउ 30 है तो आपको एक चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। सो लेने का तरीका आप जैसा आपकी इच्छा हो, आपको सूटेबल लगता हो, आप वैसे ले सकते हैं। सो ये तो हमारे थे त्रिफला के बेनिफिट और लेने का तरीका। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।